मंच पर दो पोडियम है, तो हमारे एडीसी ने पूछा कि आप कौन से पोडियम से बात करना चाहेंगे, यहाँ खड़े होंगे तो मुझे धूप में खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ खड़ा रहूँगा तो मुझे छाया मिलेगी। मैंने उनको कह दिया भाई ये किसानों का विचार करने के लिए आए हुए लोग हैं, वो धूप का और सूर्य का महत्व समझते हैं और हम सब लोग तो सूर्य की प्रार्थना करते हैं और दुनिया को ऊर्जा देने वाला, अब पहले कोयले से ऊर्जा मिलती थी, बाद में हाइड्रोकार्बन, मिट्टी के तेल, अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के साधन थे, वो धीरे धीरे समाप्त तो हो रहे हैं। वो समाप्त तो करते करते हम लोगों के सामने प्रदूषण की एक बड़ी समस्या भी खड़ा कर रहे हैं और ये प्रदूषण केवल मनुष्य के लिए ही तकलीफ देने वाले नहीं हैं, तो पेड़ के छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े पेड़ हो उनको भी परेशान करते हैं। उनसे यदि मुक्ति पाना है तो इस सूर्य देव ही हमारा असली प्रेरणा देने वाला है। और मैं यहाँ से खड़ा रहकर बोलूँगा, ऐसा मैंने कहा। और सोलर एजेंसी के बारे में भी मुझे विश्वास है कि जब कृषि तज्ञ कैसे कोई रोप आगे बढ़ता है, उसको कितना सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, छाव में किसी को लाना है तो कैसे वो बढ़ सकता है, इसका भी ये तीन दिन के कॉन्फ्रेंस में विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 1965 की मुझे याद आती है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय पर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और सैनिक सीमा पर लड़ रहे थे और उस समय पर भी देश में अनाज की कमी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के नाते देश को आह्वान किया था कि हम एक दिन का उपवास करेंगे और जो सैनिक लड़ रहा है उसको नैतिक समर्थन देंगे, और सारे भारत के लोगों ने सप्ताह में एक दिन का उपवास करना शुरू किया था। और उन्होंने नारा उस समय पर दिया था, जय जवान जय किसान, और किसानों को ये कहा था कि वो वहाँ लड़ रहे तो तुम्हारे खेत में लड़ो और ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करो। आगे जब देश जाता गया, मैं सारा उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इस लखनऊ से ही वह सांसद भी थे, तो उन दिनों में विज्ञान की प्रगति के दृष्टि से अणु ऊर्जा चाहिए और अणु ऊर्जा चाहिए तो अणु ऊर्जा का परीक्षण किया गया और परीक्षण करते करते उन्होंने एक पहले के नारे को एक छोटे दो शब्द जोड़ दिए, जय विज्ञान जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जय विज्ञान, और आज के प्रधानमंत्री हमें डिजिटलाइजेशन के ओर लेके जा रहे हैं। और ये डिजिटलाइजेशन केवल फैक्ट्रियों में नहीं तो हमारे खेत में भी कैसे उपयोग में आ सकता है, इसका भी हमें विचार करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की ये आपकी परिषद ऐसे समय पर हो रही है कि देश को और एक नए मोड़ पर हम ले जा रहे हैं।